हेलो दोस्तों, मिस्टर एक्सेल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस चैप्टर में आपको सिखाने वाला हूँ क्लास में कि सम, सम इफ और सम इफ्स में क्या फ़र्क है और ये कैसे यूज़ करते हैं। तो वेरी सिंपल है, तो मैंने कुछ डाटा बना रखा, आप देख सकते हैं। यहाँ सम क्या ना बोलते हैं, सेल्स रिकॉर्ड है और उनके नाम है, सेल्स मैनेजर, सेल्स जो उन्होंने किया है। हम वेरी सिंपल इसको सम किस लिए यूज़ होता है, सिंपल सम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर सम आ गया 667। तो इसको हम फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ा, इस पर जाके इक्वल टू दवाई, और फिर इस पर जाकर के इक्वल टू दवाई एस वी एम सम टैब मारिए। इसके बाद टैब कर देंगे नंबर वन, यानी कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सम करके एंटर मार दीजिए। आप देखिए आगे 637, तो ये हो गया हमारा सम, ठीक है। तो सिंपल सम था। अब चलते सम इफ। सम इफ क्या होता है, जैसे सम इफ, इफ जब भी आता है, इफ का मतलब हमेशा होता है कोई अनोखी कैटेगरी आपको देने वाले कि केवल आप इसी का सम करें। तो मैंने यहाँ अमन लिख रखा, तो मैं चाहता हूँ कि अमन अमन का सम हो। अभी तो हमने सम किया था, तो टोटल सम कर दिया हमने, टोटल यहाँ तक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ केवल जहाँ जहाँ अमन भाई साहब है केवल वहीं पे सम किया जाए। तो अब यहाँ पे मुझे ये चाहता हूँ केवल जो अमन जहाँ पर है वहाँ पर सम हो जाए। देखिए अमन यहाँ पर भी है, अमन यहाँ पर भी है, और अमन यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो अमन अमन का सम करना है, इक्वल टू एस यू एम सम आई एफ टेन, ठीक है। अब लेना है आपको रेंज, रेंज तो रेंज लेना है आपको ये वाला, ठीक है। इसको फिक्स कर दीजिए, बस रहने दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगाइए। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होना चाहिए अमन, इसको हमने अमन दे दिया और हमने कर दिया कॉमा लगा के। सम रेंज मांग रहा है, तो सम रेंज मतलब इसको सम करिए, और हमने मारा एंटर। ये देखिए 259 है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये सवाल का जवाब सही आया है। इसके लिए क्या करना करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा अमन पे क्लिक करेंगे, तीसरे अमन पे क्लिक करें, चौथे अमन पे क्लिक। अभी इनका सम हो चुका है, कहाँ हो चुका है, नीचे नीचे के देखिए, ये रहा 581 आ रहा है, यहाँ तो 259 है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये भी अमन है, ये भी अमन है, ये भी अमन है, और ये दो बार हो गया अमन 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 अमन, ठीक है। एक मिनट देखिए दोबारा से, इसको प्रेस करके रखिए, इसको प्रेस करके रखिए, इसको रखिए, इसको भी आप देखते हैं कितना 259 आ रहा है, ठीक है। वो डबल एक बार जो है मुझे डबल मतलब प्रेस हो गया था, तो आप देख सकते 259 है। हमने कैटेगरी लिखी अमन अमन का, वो करके दिखाई, तो उसने अमन अमन का हमें 259 दिया। चलते हैं हम सम इफ, सम इफ फॉर्मूला आप चलते हैं। जो सम इफ फॉर्मूला है वो होता है, यहाँ तो एक कैटेगरी थी केवल अमन अमन का सम करना था, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस डेटा को समझिए एक मिनट के लिए, अमन का ही सम करना, लेकिन अमन का जब भी सम करना वो संडे को आया हो, कैटेगरी ये है। जैसे अमन है यहाँ पर सैटरडे को आया तो इसको सम ना करे, अमन यहाँ संडे को आया तो इसको सम करे, अमन यहाँ फ्राइडे को आया इसको सम ना करें। मतलब हम यहाँ दो कैटेगरी कर दी, एक अमन का ही सम करें, दूसरा अमन का जब ही सम करे वो जब संडे को आया हो, यहाँ पर दो कैटेगरी कर दी हमने, ठीक है ना। इसी तरह हम चार पांच जितने कैटेगरी सब कर सकते हैं सम इफ्स में। सम इफ्स का मतलब ही ऐसा लग गया, इसका मतलब बहुत सारी आप कैटेगरी डाल सकते हैं जितना चाहे, एन नंबर तक, एन नंबर मतलब अनलिमिटेड। चलिए हम देख लेते हैं, इक्वल टू सम इफ्स। तो सबसे पहले सम इफ्स पे जाएंगे नीचे और टैब दबाएंगे, टैब में हम सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स क्या बोला, पहले सम रेंज ले लीजिए आप, सम रेंज मतलब जिसको जमा करना है। तो मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया, ठीक है, सम लिया। अब कॉमा, अब बोला क्राइटेरिया रेंज ले लीजिए, तो मैं पहला क्राइटेरिया रेंज ये ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, अभी बोला क्राइटेरिया, यानी कि रेंज तो वो था पूरा का पूरा, अब क्राइटेरिया पूछा तो मैं बोला अमन, इसमें से केवल अमन को चूज करें, ठीक है। जैसे मैंने कॉमा लगाया फिर इसने बोला क्राइटेरिया रेंज टू क्या होगा आपका, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज टू डाला ये, कि पूरा मेरा दूसरा वाला ये होगा क्राइटेरिया रेंज। फिर मैंने कॉमा लगा तो ये कह रहा है सिंटेक्स टू से क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, तो मैंने बोला इसको संडे संडे जहाँ पर लिखा हो, लिखा मैंने संडे सेलेक्ट कर लिया, और मैंने मारा एंटर, तो ये हो गया 88। यानी कि अमन जो आया है चार बार आया, लेकिन संडे को वो दो बार आया, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर, इसको जोड़ के देख लीजिए, इसको
प्लस में स्क्वायर, तो कितना आ रहा है नीचे आके वो चेक करो 88 आ रहा है, ठीक है 88। सम इफ होता है एक से ज़्यादा कैटेगरीज हो उसके लिए, यानी कि एक कैटेगरी का सम इफ लगा लिया और सम इफ लगा लिया कितने एन नंबर तक कैटेगरी, यहाँ पर कुछ और भी अगर कैटेगरी होता है कि संडे के दिन 5 बजे के बाद आया उसी को काउंट करें तो और हम कैटेगरीज लगा सकते हैं। जैसे कि मैं सिंटेक्स में दिखा देता हूँ आपको, सिंटेक्स में दिखा देता हूँ, जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा मैं, मैंने इसको बंद किया। अभी क्राइटेरिया 3 मांग रहा है, अगर कोई क्राइटेरिया 3 है तो वो भी लगा देता हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, एक बेसिक क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलिए मुझसे नेक्स्ट क्लास में। तो ये मैंने जैसे भी समझाया, मैं बार बार सम का, सम इफ का, सम इफ्स का बार बार चैप्टर चढ़ाता रहूँगा, मतलब इससे एडवांस करके और एडवांस करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आता रहे। तो मिलिए नेक्स्ट चैप्टर में मुझसे, तो चलते हैं, बाय बाय।